राम राम बस हरण है। तो कैसे हो सभी दोस्तों? गरा खाली था आज, मशीन फ्लाइट को नहीं आई, तो आज स्टेडियम मचा लेंगे अपना, जाट स्टेडियम में, जाट कॉलेज के जो पीछे है। तो देखते हैं आज स्टेडियम में क्या से क्या रहता है, कितने बच्चे आते हैं क्या नहीं होता, और देखते हैं कितने बच्चे वहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। चलो निकलते हैं घर से। तो वापस स्टेडियम में जान लाग रहे हैं, गलिया में को देखें शॉर्टकट अपना गन रोक न छोड़ कर, तो स्टेडियम में पहुंच के दिखाते हैं अपने। तो वापस पहुंच गया स्टेडियम में, देख लो ये गली है जो सीधी स्टेडियम में जावे है, रोड पर तो सीधी है, और देखेंगे भीतर जाके कुछ है, कितने बच्चे तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। ये देखो जी सामने जो है चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा है स्टेडियम में बिल्कुल सामने। ये जो साइड में है जाट कॉलेज की बिल्डिंग है ये, और जाट आईटीआई, जाट स्कूल, जाट कॉलेज इकट्ठे हैं तीनों। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से ग्राउंड खाली पड़ा है। पहले यहाँ पर करीब करीब 200 से 250 लड़के जो है हर रोज रेस मारते थे और तैयारी करते थे अपने हर फील्ड की। तो अब लोगों का एम ही खत्म हो गया जब से यज्ञवीर के लिए जो 4 साल का ये रूल लागू किया है। तो अब इसमें देख ले कुछ छोटे बच्चे ही खेल रहे हैं बस, और कुछ लोग वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो अब इसमें लोग करीब यहाँ पर 50 मुश्किल से होंगे। पहले 250 से 300 बच्चे हर दिन रेस लगाते थे और तैयारी करते थे, क्योंकि अब हरियाणा में अक्सर देखा जाए तो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों का सभी का यही एम था कि हम फौज बड़े होकर फौजी बनेंगे। और अग्निवीर के कारण लोगों का और बच्चों का है एम ही ख़त्म कर दिया सरकार ने। तो देख रहे हो किस तरह से ये ग्राउंड खाली पड़ा है, और अभी जो टाइम है 4:30 हो चुके हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। वैसे तो बच्चे रेस मारने के लिए 2 बजे भी आ जाते थे, लेकिन अब जो है ये ग्राउंड बिल्कुल ही खाली पड़ा है। अब यहाँ पर बहुत कम बच्चे आते हैं तो वो वैसे ही चले जाते घूमने फिरने के लिए, अब तैयारी नहीं करते। तो देख सकते हो आप ये देखो जी बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अब बच्चे रेस ही नहीं लगाते यहाँ पे। ये देखो जी अभी दिखा देते क्या क्या बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब ग्राउंड की इतनी ज़्यादा देखभाल भी नहीं होती, जो बच्चे थे वो खुद ही अब साफ सफाई का ध्यान रखते थे। तो आपको दिखा देते हैं जी, देखो जी पूरे ग्राउंड में केवल 3 बच्चे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, वो भी छोटे बच्चे हैं, बड़ा लड़का कोई नहीं आया यंग जो आर्मी के लिए तैयारी करता हो। अब कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे कुछ मैडम है यहाँ पे जो तैयारी करा रही है बच्चों की, कुछ कंपटीशन की, छोटे बच्चों की ये लड़की है। तो देखो जी ये हाल है अब हर स्टेडियम का, तो जिंद में कोई सी भी स्टेडियम में बच्चे तैयारी करने नहीं आते। देखो जी 18 साल लगा कर देखेंगे, और ये मैंने रस्सा लगा दिया, देख सकते हैं आप एक रस्सा लगाया बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से। रस्सा बहुत कमज़ोर था, ये लग रहा था कहीं टूट ना जाए, नीचे से बहुत ज़्यादा पतला हो रखा था, मैं खींच खींच करिए देख सकते हो जी। लगा दे बच्चे, और उतर जे कूद जे ना, बहुत ये तो कर्मों की तेरी बढ़ावा था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चा तैयारी कर रहा है, ये आज पहला ही दिन है इसका, और देखते हैं कितने लगाता है। छोटे बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं, बड़ा कोई नहीं आ रखा है, देखो जी बिल्कुल खाली रोड पर है। एक तो वह आप हमारा देखा क्या लगाऊंगी, मेरे से आप तो 10 तो लग के जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दस, ग्यारह, तो वह 11 मार दी बिना रुके। तो भाई पूरा ग्राउंड में घूम है, तो उरे देखे घास बहुत बड़ी हो रखी है, झाड़ी झूड़ी है, कांटेदार है, और पत्ते पत्ते यहाँ पर वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई सफाई है नहीं हो रखी। इधर सीढ़ियों की तरफ जो वहाँ पर बच्चे बैठते हैं, सफाई हो जाती है कॉम्पिटिशन के दौरान।